हेलो, क्या बात है प्लवन, क्या हाल चाल? नमस्कार सर। नमस्कार। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। टाइम पे आ गए ना? एकदम 5 मिनट पहले वैसे टाइम से होता है आपके मुताबिक। हाय हाय, क्या बात है। चलो प्लवन, और कौन? यश, क्या हाल चाल? कैमरा ऑन कर दे भाई तेरा। हेलो सर, यश ने कल हेलो। से ज्वाइन किया। उसने का फेसबुक एड्स चलाने के लिए डिजिटल मार्केटर करके ज्वाइन किया, तो आज उसका सेकंड डे ऑफिस का। आप लोग मेरे लिए भी करो ना डिजिटल मार्केटिंग। चलेगा सर, करेंगे ना। हम लोगों का एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने 3 महीना एज अ फ्रीलांसर किया, लेकिन अभी फंडिंग चाहिए एज अ एजेंट के लिए उतरने के लिए। तो फिर वो ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स के लिए गए वहाँ पे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करेगा। और एक बार फंडिंग हो जाए फिर ई कॉमर्स का ड्रॉप शिपिंग चालू कर रहे हैं। मतलब मैं वो कर रही हूँ ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का, तो फिर उससे जो पैसा आएगा फिर उससे रियल इस्टेट का करेंगे। बहुत अच्छी प्लानिंग है आप लोगों की। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलो, आपको और बहुत कौन है? एज अ मेंटर करके देख रहे हैं। अभी मेरे को मैसेज करके बोल रहा था कि सर को प्लानिंग बता दे। आपको सर का प्लानिंग? अच्छा, ये वाला प्लानिंग बता दो। बताने के लिए उसने मैसेज करके बोला मेरे को। आपका नाम क्या है? मेघना? आप साउथ इंडिया से हैं क्या?
नहीं मराठी। मराठी, मरापन, मी पण महाराष्ट्रीयन माणूस आहे. घरी गणपती आहे, गणपतीला या। ओ, आमच्या घरी पण आहे, तुम्ही पण या. गणपती बाप्पा मोरिया, नक्की नक्की। मंगलमूर्ती मोरिया. चलो, गुड गुड गुड. ओके, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. प्लवन, तू भी यार वीडियो दिखा, तू कर क्या रहा है, कहाँ घूम रहा है, कपड़े वपड़े नहीं पहने क्या, छुप के बैठा है? बैल्कनी में हूँ, और वो एक्चुअली सर ऑफिस नीचे ही है अभी, मतलब जहाँ पे फ्लैट लिया है ना उसी के नीचे ऑफिस है, तो बंदी जो टेली कॉलिंग करती है वो आई है ऑफिस में है, मैं अभी तक गया नहीं. अच्छा ठीक, ये सर तो थोड़ा बंद कर ज्यादा कमरा। सुबह सुबह नहीं जा पाता, मतलब घर में ही इतना टाइम, ओके वैसे विजिट होता है तो निकल जाता हूँ, लेकिन आज विजिट रखा नहीं क्योंकि आपका मीटिंग था, तो जो भी रखा शाम के बाद, इसीलिए घर में वेरी ही. गुड वेरी गुड, ठीक है चलो। जी यस सर, नेक्स्ट, और कोई है? हम तीन ही हैं। आज लोग कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं, हम तीन हैं तो हम तीनों अपना समझ लेते हैं बिजनेस को। ओके तो कुछ लोग आएंगे, आराम से उनको आने देते हैं। तो कौन कोई पूछना चाहेगा? एक चीज सर मेरे मतलब दिमाग में था कि आपसे पूछूं कि डील फाइनल होते होते जब कैंसिल हो जाता है ना किसी वजह से, हाँ, उसका पर्सनल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, कुछ भी वजह से उसका कैंसिल हो जाता है, तो उसमें कभी कभी हम लोगों का भी कुछ एक गलत किया हुआ कुछ हो, या मतलब मेरे से भी कोई फॉल्ट हुआ हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो गया या कुछ बोल दिया ऐसा कुछ कि उसको खराब लग गया, डील मतलब बैठा बिठा कैंसिल जब हो जाता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए मतलब क्या क्या मतलब स्टेप्स हैं जो जो फॉलो करके चले, तो एक बार डील टोकन हो गया तो होगा ही. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, गुड। तो टोकन तक हो गया, इसका इतना उसके बाद जब होता है ना सर कैंसिल, बहुत खराब लगता है, मतलब उससे बुरा और कुछ नहीं होता है. इसमें ऐसा भी करेक्ट, होता है कभी वो कोई दूसरा ऐड देख लेता है, सेम चीज शायद कोई बंदे ने कम कम में डाल के रखा है, तो उसका दिमाग घूम जाता है, अरे वो इतना कम में, 2 लाख कम में डाल के रखा है और मैं इससे 2 लाख ज्यादा में फाइनल करके बैठा हूँ, तो ये सब वो कुछ ना देखे, और मतलब उसको मैं अपने तरफ ही, हाँ, उसके साथ अभी बार बार तो कॉल करके उसको तंग नहीं कर सकते ना, उसने टोकन किया है तो टाइम लिया है, वो सर्चिंग पे गया है, लेकिन इस बीच में हो जाता है गड़बड़. ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऐसा कुछ है, या ओके तो आप कुछ कुछ स्टेप्स ऐसा बताओ ये जिसमें. देखो कैंसिल, हाँ अच्छा, देखो ये एक जो कैंसिल होता है ना, इसमें हम ऐसे रोक नहीं सकते, कुछ चीजें होंगी, मतलब सर्टन परसेंटेज जो है जो कैंसिल होंगे। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 10 में से 1 कैंसिल हो जाए तो उसको गलत कैंसिल नहीं मानते, मतलब ये तो होगा ही, बिजनेस है। पर उसको हम रोक कैसे सकते हैं? अगर वो 10 में से 5 कैंसिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो हमारी प्रॉब्लम है ना। 80-20 चलता है, तो कैंसिल मेरे भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। अगेन 10 में से 2 तक ठीक है, पर 10 में से 6 हो रहे हैं तो गलत है। ज्यादा हम इसको ठीक ऐसे कर सकते हैं कि हम जो भी काम करें, ठीक है, उसमें शुरू से ही सारी क्लैरिटी रखें। कोई चीज ऐसा तो नहीं है हमने कुछ ओवर कमिट किया, या कोई चीज हाइड करी, इंफॉर्मेशन सही नहीं बताई, बाद में उसको सरप्राइज आया जिसके कारण वो गया, तो सब चीज एकदम क्लियर ऐसे बताओ। और बताओ ही नहीं, उसको मेल करो कि सर ये चार्जेस आने वाले टाइम में है, इतना टाइम लगेगा, ये है। क्योंकि हम कैसे, उसको जल्दी रहता है, 10 दिन में करा, 10 दिन में करवा देंगे, लगना 1 महीना है, तो फिर वहां पे वो दिक्कत आ सकती है, या कोई चार्जेस है जो बताए नहीं थे। तो वो आपको जितना भी चीज है, जितना क्लैरिटी रखोगे कि होना है तो अभी हो जाए ना, कि फिर 1 महीने बाद करें तो दोनों सबका मूड ऑफ होगा, है ना। तो जो भी है, उल्टा मेरे को 10 दिन लगना है तो मैं 12 दिन लग जाएगा बताता हूँ, ये ऐसा है तो है, इतना टीडीएस काटना पड़ेगा कर, वो सारी चीजें ना। 1 सेकेंड, मेरे को एक कॉल आ रहा है, मैं इसको ले देता हूँ। अनिल सर, मैं एक जूम मीटिंग में हूँ, कॉल करूँ आपको? तो कहाँ था मैं? ठीक है, तो आप क्लियर बताओ। जैसे मेरा डील हो गया तो मैं अच्छी अच्छी बातें ही नहीं बताता कि सब ऐसा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ देखिए सर, अभी इसके साथ साथ कुछ एडिशनल चार्जेस रहेंगे, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी, आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस इतने होंगे, लॉयर की लीगल फीस इतनी होगी, अगर जो भी
सेलर का है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे सोसाइटी मेंटेनेंस है, या म्यूनिसिपल का जो भी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपको भरना पड़ेगा। हमारा ब्रोकरेज इतना होगा, इसमें इतना टाइम लग जाएगा, इन केस अगर कैंसिल होती है डील तो आपको डबल अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। ये सारी चीजों मैं एमओयू बनाऊंगा, हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में उसको एंट्री करूंगा, जिससे कि कोई बैकआउट करने का चांस ही ना बचे। मैं ज्यादा ज्यादा प्रिकॉशन ले सकता हूँ, है ना, यही नहीं होता बाकी है। हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, तो वो चीजें हम कभी कभी ना बहुत सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, नो नो हाँ सर कोई कैजुअल बात ले नहीं, लेते देख हैं। लूंगा हाँ ऐसा। ठीक है, अच्छा आदमी हाँ, है। और वो बाद में उसको एस्केप करने का रास्ता मिलता है। तो शुरू से ही उसको ऐसा डरा देना है कि अगर कैंसिल करना पड़ा तो ये बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, आपको आपका टोकन है जो अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। मान लो आप बायर हो, लबन बायर है, मेघना बताया था आपने नाम, हाँ तो मेघना हाँ है। अब लबन बायर है, मेघना सेलर है, तो मैं इन दोनों को इतना क्लियर करूंगा, और मुझे अगर वो डर को पैक करना है तो मैं वो जो मीटिंग के दौरान ही सारी चीजें क्लियर कर लूंगा कि ऐसा अगर हुआ तो क्या रहता है। तो जैसे आप बायर हो तो आपने एक टोकन अमाउंट दिया है, तो टोकन अमाउंट रिस्पेक्टेबल रखो। अगर 1 करोड़ का सौदा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 टोकन अमाउंट है, तो 10,000 के लिए कोई थोड़ी ना बोलेगा ठीक है चला गया तो चला गया, क्या ही फर्क पड़ता है। बट अगर वो 5 लाख दिया है उसने टोकन अमाउंट, और वो फोरफिट हो जाएगा, नॉन रिफंडेबल है, वो मेंशन है कहीं, डॉक्यूमेंटेड है, तो वो कभी भी सोचेगा 10 बार, और नहीं तो बोलना 5 लाख आपके डूबेंगे। पेपर मांग लेते हैं पहले। पहले बोलते हैं कि हाँ तो पेपर दो, पहले पेपर चेक करते हैं, उसके बाद कुछ टोकन करेंगे। तो हाँ इसमें तो तो हम पेपर, तो ऐसा ये करते तो हैं कि कैंसिल के हाँ पहले की बात कर रहे हो ना आप, कैंसिल हाँ मैं तब टोकन मान के रहा हूँ टाइम, जब हो टोकन के गया। टाइम। हाँ टोकन हाँ के तो टाइम। पहले तो पेपर मांगेंगे, कोई टोकन करने से पहले एक बार पेपर ही देखना है। हाँ तो सारा जेरोक्स दे दें उसको करके। हाँ 100%, कोई भी अगर घर लेने जाएगा एक बार पूरा डॉक्यूमेंट तो देखेगा ही। हाँ चलो तो मैं इस इसी बात को पूरा क्लियर कर देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि अभी हम ये मान के चलते हैं कि दोनों, अभी आप बायर थे, मेघना जी सेलर थी, प्रॉपर्टी पसंद आ गई, नेगोशिएट हुआ, फिक्स हो गया डील। मैं एक राउंड फिगर पकड़ने के लिए 1 करोड़ पकड़ लिया कि 1 करोड़ में सौदा हो गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए एज अ ब्रोकर मुझे? अब ये सौदा अगर हो गया तो चाहिए तो आप कैमरा बंद कर दो प्लवन, कोई बात नहीं, वो डिस्टर्बिंग ना हाँ रहे। हाँ ठीक तो मैं कहा था, हाँ डील हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए एज अ ब्रोकर? अब मुझे पूरा इन दोनों को गाइड करना है, मैं लीड करूंगा, ठीक है, मेरे हिसाब से वो दोनों चलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि मतलब एक गेम प्लान बना लेते हैं आगे का, ये प्रोसीजर कैसे कंप्लीट होगा, स्मूथली ट्रांजेक्शन को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या क्या लाइबिलिटी रहेगी वो बताऊंगा, सेम सेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी वो क्लियर करूंगा। उसके बाद कहूंगा कि ये ट्रांजेक्शन का मतलब टोकन अमाउंट जो है 2 to 5% रहता है, तो अगर 1 CR का है तो 2 से 5 लाख तक है। ये जो भी टोकन अमाउंट देंगे ये सारी अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है। समझो बायर बैकआउट होता है तो वो 2 लाख उसके डूब जाएंगे, अगर मान लो सेलर बैकआउट करता है तो उस केस में क्या होगा, उसको डबल अमाउंट जो है रिफंड करनी पड़ेगी। मतलब 2 लाख अगर टोकन दिया था तो उनको 4 लाख देना पड़ेगा, 2 लाख तो प्लवन के रिटर्न करेंगे, 2 लाख की लाइबिलिटी इसके साइड से भी होनी चाहिए सेलर के साइड से, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहूंगा कि टोकन देने से पहले, क्योंकि ये ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि एक बार पेपर को चेक कर लें, तो एक जब मैं मीटिंग के लिए बुलाता हूँ, मान लो ये फोन पे अगर मैंने बात कर दी, तो मैं बोलूंगा सर आप पूरा एक सेट पेपर का जो भी है आपके घर के एक जेरोक्स लेते आना, और जो बायर है उसको मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, हाथ में अपना DD या चेक लेके आओ, चेकबुक लेके आओ, जिससे कि वो पेपर दिखाएंगे आपको, वहां का वहां टोकन कर देना, एक बार हम उसको चेक कर लेंगे। तो ये तरीका हो गया, तो ये पेपर दिखाते हैं, एक सेट देते हैं मुझे और वो चेक दे देते हैं, फिर मैं 500 रुपये का स्टैम्प पेपर लाता हूँ, एमओयू खुद ही बना लेते हैं, उसके बाद नोटराइज कर लेते हैं, और जो भी बातें मैंने यहाँ बताई थी वो सारी सारी एमओयू में डाल देते हैं, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज के बारे में भी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वर्बल खाली बात हुआ है, हर एक चीज नो लिखा हुआ है, तो उसमें कोई कैंसिल के चांसेस नहीं है। उसके बाद कोई कैंसिल करता है तो उसकी मर्जी, किसी ना किसी का 2 लाख का नुकसान है, ठीक है। अब फिर आगे तो फिर पेपर वर्क आ जाता है, तो वो अलग 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 अलग, पर ये इतना मिनिमम समझो कि एमओयू साइन होगा और एमओयू में एक क्लियर मेंशन होगा कि कैंसिल होने पे क्या किसको पैसे देने पड़ेंगे। एक्चुअली मुद्दा ये है, ये लोग पेपर लेके चले जाएंगे लेकिन चेक नहीं देंगे, कोई कोई टोकन नहीं करेंगे, पेपर लेके चले जाएंगे, 7 दिन 10 दिन टाइम ले लेंगे, फिर मतलब आएंगे ही नहीं, नहीं रहता, पहले फिर जेरोक्स बोलना देते ही कि रहेंगे ना ऐसे।
तो अभी मान लो आप हो क्लाइंट, ठीक है, अब मैं आपको कैसे हैंडल करता हूँ, आप आए, आप बायर हो, आप मेरे से बात करो, मैं जी बुक मुझे पसंद आ करूंगा। गया, मुझे एक बार जस्ट आपका पेपर चेक करवाना है वकील से। आप मुझे एक काम कीजिए, आपका जेरोक्स का जो है सारा सेट दे दीजिए, मैं अपने वकील से चेक कराऊंगा, सब सही रहेगा तो मैं आके आपको चेक दे के जो करना है कर लूंगा बस। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, पेपर तो आपको दिखाना बनता है, पर ऐसा है प्लेवन जी, क्योंकि हर आदमी आता है बोलता है पेपर दो, तो जो भी आता है उठ उठ के हम कैसे भरोसा कर ले कि ये लेने वाला है, क्योंकि आपके मतलब आप तो हो जेन्यून, लेकिन ऐसे 500 लोग हैं और सबको मैं अपने घर के पेपर नहीं दे सकता। अगर आप सीरियस हो, आप चेक लेके आओ, बैठो, मैं अपने पेपर दिखाऊंगा, आप अपने लॉयर को लेके आओ और मैं पेपर दिखाता हूँ, वो चेक करें और आप मेरे को टोकन दो, क्योंकि आप सोचो ना, लॉयर आप थोड़ी आज मेरे हो साथ कल, आएगा, लॉयर नहीं आएगा ना, आप तो मतलब वो आपका लुक है, देखो मेरे प्रॉपर्टी पेपर क्लियर है, उस पर बैंक लोन चालू है, मैं जेरोक्स ही आपको दे पूरा रहे हो ना, पेपर दिखा जेरोक्स रहा दे हूँ। दीजिए, मैं जेरोक्स चेक करवा पर लूंगा, बात अगर जेरोस की सही नहीं रहेगा। सर, देखिए आपको प्रॉपर्टी लेना है, पर आप जैसे हर कोई आता है और मेरे को पेपर मांगता है, हर पांच कोई लोग आए, पांचों को खरीदने, मैं पेपर देते बैठ रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो सर, हर कोई सर खरीदने अगर आपके पास आ रहा है तो पेपर अगर आप नहीं दोगे तो वो कैसे डिसीजन लेंगे, आपको तो पेपर देना होगा ना, तो पेपर मुझे तो दीजिए मैं तो मैं यही बोल चेक रहा हूँ, करवा लूं। पेपर देने के लिए मैं कैसे जानूँ आप जेन्यून हो, कोई भी उठ के मैं आ दो जाए बार और बोले देखा हूँ, पेपर दो फैमिली खरीद आया लो, है मेरा, मैं जेन्युइन हूँ सर, मैं इसीलिए तो मतलब अपना तो काम वो छोड़ के आया जेन्यून हूँ के आपका लिए ही देखने। आप मेरे को चेक दे दो, मैं नहीं डिपॉजिट करूंगा, मैं आपको पेपर देता हूँ, पर मैं ऐसे कैसे समझू, और भी कई लोग हैं, वो आए दो बार देखे पेपर दो वो घूम रहे हैं चारों, तो मेरा कैसे है कि अभी आपने प्राइस की नेगोशिएट कर लिया, अभी आप बोल रहे हो कि मेरे को पेपर दो, वो पहले ही आपके सोच लेना था। मैं देखो सिंपल आदमी हूँ, मैं आपको पेपर दूंगा, मेरे को एक हाथ में चेक चाहिए, आप देखो अच्छा चेक आपका मैं कैसा दे है। दूंगा आपको, लेकिन अभी पेपर लेने के बाद मैं मान लीजिए कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मेरा पैसा ले लेगा, अगर नहीं रिटर्न करेगा तो वो चेक मैं आप बोल रहा हूँ ना, अगर मैं चेक कैश नहीं करवा लोगे डालूंगा, तो आपको मैं, कितना टाइम चाहिए बोलो पेपर देखने का, मुझे तो 7 से 10 दिन चाहिए पेपर पूरा सेटिंग सात दस करवाने, दिन किस बात का लगता है मेरे को बताओ, 7-10 दिन में तो लोन वकील डिसबर्समेंट भी हो तो जाता टाइम है, लेगा ना, आज देंगे तो आज ही वो देख के नहीं पर देगा कौन सा बेटा। वकील है, अब पेपर जो सही है ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, आप डालो और वो दिख जाता है इंडेक्स टू के नंबर के हिसाब से, आपको मैं लॉयर का नंबर देता हूँ, वो जाते ही चेक करके बता देगा, एक हफ्ते में तो बैंक डिसबर्स कर देती है, तो इतना टाइम मैं नहीं दे सकता, फिर आप देख लो जो आपको आपके हिसाब से करे उसको देख लो, क्योंकि मैं बैठा नहीं रहूंगा, मैं भी ओपन हूँ आप भी ओपन हो, कल को मेरे पास आप बोल रहे हो 1 करोड़, कल मेरे को 1-5 का ऑफर आया मैं उससे ले लूंगा, जब तक आपका मेरे हाथ में पैसा नहीं आता हम ओपन है, अब आपका कॉल है क्या मैं करना आपको है। एक पोस्ट डेटेड दे देता हूँ 7 दिन बाद का, पेपर हाँ सही ठीक रहेगा, है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्या है देखो आपको भी ऐसे ही खरीदना करते है हैं मेरे को सर। भी हाँ बेचना है, पोस्ट हाँ डेटेड ही ले लेते हैं सर। तो पोस्ट हाँ डेट ले लो, कुछ तो उसका कमिटमेंट आया ना कि ये जेन्यून है, और सही बोलना बात, मैं आपको 7 दिन में टाइम देने वाला हूँ, मेरे पास हमेशा प्रेशर डालने के लिए बोल देना, मेरे पास दूसरा भी बाहर है लेके बैठा है पैसे, मैं आपको बता रहा हूँ जिसने पहले दे दिया मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि आपको डाउट है कि पेपर ठीक नहीं होगा, सामने प्रॉपर्टी देखी, मैं ओनर हूँ, आपको कॉपी दिखा रहा हूँ, आपको पूरा वेरिफिकेशन वैल्यूएशन करना है, टाइटल करना है, आप करते रहो, जब तक मेरे हाथ में पैसा नहीं आया मैं फ्री हूँ, कल को कोई मेरे को 1 करोड़ 2 लाख देगा मैं जाऊंगा, तो आपको कॉल देना है, जैसे ही मैं पोस्चर रखूंगा ना वो बोलेगा नहीं नहीं यार चलो खत्म करते हैं, एक दिन रुक जाओ, चलो रिक्वेस्ट करता हूँ बस, मेरे को 24 घंटे का टाइम दो, पर ऐसे नहीं कि बेचना है, कभी भी इस धंधे में पोस्चर कभी नहीं छोड़ना, ऐसे हमेशा दिखाना कि सर और 3 लोगों से बातचीत चल रही है, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग नाउ बिकॉज यू हैव सो मेनी डाउट्स, ये चीज है, तो आप पहले क्या करो पूरी इंक्वायरी कर लो फिर बात करेंगे, या अननेसेसरी पैसे के बारे में आपने नेगोशिएट किया, ये किया वो किया, अभी ये पहले आप देख लेते फिर बाद में बात करते हैं, तो क्या होता है मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके साथ ही देना चाहता हूँ जो इस चीज को समझे, ठीक है, तो आप पहले सब जाके देख लो फिर बात करते हैं, जैसे आप पोस्चर रखते हो वो पीछे आपके आने वाला है, मैं सीरियसली यही एग्जैक्टली करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक हाथ से पेपर देखो आप चेक लेके आओ, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे ना मेरे पे, मेरा पेपर चेक कर, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि आप लेने वाले हो, क्या मिस यूज करोगे मेरे को क्या मालूम, आप पेपर क्या करने वाले हो, कहाँ दिखाओगे कैसे करोगे, मैं नहीं ट्रस्ट करता, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो मेरे को भी डाउट है आप पे, आप मेरे पे कर रहे हो ना कि पेपर ठीक है क्या नहीं, ये ओनर है क्या नहीं, तो मैं भी आप पे कर रहा हूँ, तो आप चेक दो और मैं आपको पेपर लेकिन देता हूँ, लेकिन सर सर्चिंग का बात करके जब पेपर मांगता है उस समय हाँ तो कर लो ना सर्चिंग, सोमनाथ मैं थोड़ा बोल रहा लेट हूँ कि आया, आप वो ना बैंक, लास्ट लास्ट से सोमनाथ ने लास्ट से सुना एकदम, वो बहुत लेट आया जी जी एक्चुअली। सर थोड़ा हम लेट, लोग ये बात कर रहे थे कि पेपर का देने से मतलब नहीं, टोकन से टाइम पेपर देने का उस सोमनाथ टाइम। को लेट हिम अंडरस्टैंड द वैल्यू, यू नो टाइम का वैल्यू, इनको ये बात बताई भी नहीं जाएगी, उनको आज नहीं एंटरटेन भी नहीं सॉरी करेंगे, सर, सॉरी नहीं सॉरी मैं सॉरी ट्रैवल नहीं, कर रहा था, हाँ ट्रैवल
मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको बोलते कि आप करेक्ट 1 बजे आ जाओ, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा ना, सारा ट्रेवल छोड़ के बैठ जाते। बैठते कि नहीं बैठते? 15 मिनट लेट आने से 1 लाख नहीं मिलने वाला है। आदमी की प्रायोरिटी सेट नहीं रहती बॉस, बाकी सब झूठ है और बहाने हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको समझना था समझ लिया। हाँ जी लबन समझ गए ना? हाँ हाँ सर समझ गया। तो अभी समझो कि बहुत किरकिरी हो रही है, तो ठीक ठीक करते है हैं दे हाँ देते हैं पेपर, पेपर, लेकिन तब तो तब भी एकदम ऐसे नहीं कि उसके लिए जो भी है वैसे मान दिए, समझ रहे हो? फॉरफिट वाला एकदम यहाँ नहीं एक चलता है सर, क्योंकि यहाँ फॉरफिट का बोलेंगे तो कोई मतलब वो टोकन नहीं करेगा, और ओनर भी बोलने का डबल भी रिटर्न सर, का नहीं अभी चलता है। समझो समझो आप हो, मैं आपको कन्विंस करना चाहिए ना। मेरा काम क्या है? जैसे प्लबन है वो बोल रहा है 4 फीट वाला तो नहीं डालेंगे, मैं बोलूंगा सर आपका प्रॉब्लम है, आप नहीं डालोगे तो वो आदमी वो ओपन है ना, आपका लेके बैठा है, 10 दिन हो गए आप बैंक लोन ले रहे हो, उसको कोई आ गया कि ये सर, वो बोलेगा मेरा तो 1 फीट बिक वो गया। बोले निवेश है म्यूट कौन, कर क्या दो अपना, बोल निवेश रहे सिंगल हैं? साहब म्यूट कर दो, कोई होस्ट इसको म्यूट करो, समझ गए? तो मैं कैसे बोलूंगा सर आपके फायदे के लिए, देखो आपको लेना ही है बराबर, ऐसा तो नहीं है कि ये कर रहे हैं। अब लॉक कैसे होंगे बताओ? दोनों पार्टी अगर ओपन रहेगी डील ही नहीं होगी। आप जाके अपना सोना तोड़वाओगे, FD तोड़वाओगे, सब रिस्क लोगे। कल उसको कोई ऑफर दे दिया वो बोलेगा मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि दोनों फ्री हो तो उसके साथ चला जाएगा, सामने आज लॉस आपका है। इसलिए आपके भले के लिए सर, आप 2 लाख दोगे उसका प्रॉपर्टी अटक जाएगा, कल वो कहीं जा नहीं सकता, अगर वो जाएगा लिटिगेशन डाल देंगे, MOU है उसका साइन हुआ है, क्योंकि जबान का वैल्यू नहीं रहता इतने पैसे में, और इंसान है। तो मैं जानबूझ के आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपके लिए ही अच्छा है अगर आप इसको ऐसा डालते हो क्लॉज, नहीं डालते तो दोनों फ्री है तो फिर होगा ही नहीं सौदा, दोनों घूम रहे हैं, वो भी अपना अभी भी बात कर रहा है 10 लोगों से, पूरा ट्रांजेक्शन होने में महीना लग जाता है। अगर उसके पास दूसरा कोई आएगा तो आपको बोल देगा कि ऐसा है मेरा नहीं जम रहा है, मेरा मूड बदल गया, कोई होता है सर, होता उसका है। लाइबिलिटी नहीं है। हाँ लाइबिलिटी तो बोलना, ये सब हमको उनको गाइड करना है। वी आर इन टू एजुकेशन, वी एजुकेट द क्लाइंट व्हाट इज गुड फॉर देम। वो बोलेगा ये मत डालो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना, तो बोलना सर हम तो आपके लिए बैठे, नहीं तो हमको कोई बात नहीं, आप अपना कर लो, मेरे को मेरा ब्रोकरेज दे दो, हमारा काम तो प्रॉपर्टी दिखाना था। मेरा है कि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूं, आपका स्मूथली काम करके दूं, इसलिए ये सारा चीज बना है। तो उसको मैं कैसे गाइड करता हूँ ये डिपेंड करता है कि उसका फायदा है, वही बताना है वो करने से। बोला मेरे को क्या है सर, मेरा तो पेपर वर्क बन रहा है, मैं तो बैठा हूँ, दोनों फ्री हो। लेकिन सर अगर आप फ्री हो वो फ्री है तो मेरे को बताओ, कल को कोई उसको ऑफर देगा वो निकल जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे, पूरा आपने तैयारी किया इतना, फिर आप मेरे को बोलोगे पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने मना किया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि मुझे ये सब चाहिए। मैं बोलता ये आपके लिए है सर, और आपको जब पसंद आया, आप 2 महीने से भाग रहे हो, घर देखा, प्राइस नेगोशिएट किया, सब कुछ किया, और ये अगर टोकन अमाउंट का वैल्यू, क्यों फिर टोकन देते ही नहीं ना, अगर वो फॉरफिट का क्लोज नहीं रहेगा तो ये दे भी क्यों रहे हो, ऐसे ही कर लो बातचीत पे ही पूरा चलने दो सारा काम, देखेंगे लॉस किसका है, बायर का है ना, उसने बैंक लोन अप्लाई किया, प्रोसेसिंग फीस भरी, इतना भागे, सब तैयारी की, लास्ट में वो सेलर अगर पीछे चला गया, बैकआउट कर दिया, आपका लॉस है, इसीलिए तो हम MOU करते हैं। ठीक है, तो आपने जी उसको चाहे जैसे गाइड करना है उसके हिसाब से हम नहीं चलते। और इसके लिए ना पीपल स्किल का जो बुक है वो पढ़ो, उसमें आप चाहे जिसको जो करवा सकते हो। और कोई कुछ? और इसी से रिलेटेड कुछ प्लबन पूछते जा तू, और कहाँ कहाँ दिक्कत आते हैं, या और कोई है तो पूछो, मतलब आज अपने कम लोग हो तो जो भी है उसका टाइम का फायदा उठा सकते हो। हाँ एक्चुअली सर ये थोड़ा लेट बताया गया था, शायद इसीलिए सारे लोग मिस कर गए हैं मैसेजेस। कोई बात नहीं बाकी यार, कोई अपने को बहुत भीड़ नहीं चाहिए, अपने को कुछ लोग चाहिए लेकिन कमिटेड चाहिए। जी तो इतिहास कभी भी कुछ लोगों ने रचा है, भीड़ ने कुछ नहीं करना है। इसको फॉरफिट बोलना और उसको आपका जो है वो डबल रिटर्न करना पड़ेगा ये बोलना ही मतलब डील फाइनल नहीं होता हाँ बोलते हैं तो हाँ तभी तभी तो रहेगा ना कि कैंसिल। अभी अमेजोन क्या करता है, उसकी बोलते हैं पॉलिसी ट्वेंटी क्लियर रखता परसेंट है का ना, रिटर्न कर दो आप, मैं मतलब नहीं लिया ठीक है, मेरा 10 तो वो परसेंट MOU रिटर्न में लिखा जाएगा। अभी समझो किसी ने 5 लाख दिया तो जरूरी नहीं 5 लाख, पर दोनों की होगा। अंडरस्टैंडिंग रहती है कि 5 लाख हम टोकन अमाउंट दे रहे हैं, अगर इनकेस कैंसिल होता है कोई भी साइड से तो
वो 2 लाख तो नॉन रिफंडेबल है, 3 लाख आपको रिफंड हो जाएगा। तो जो नॉन रिफंडेबल 2 लाख है सेम सेलर के लिए, अगर सेलर बाउट होता है तो वो 2 की जगह 4 लाख देगा। दोनों के बराबर ही इक्वल लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो इससे हम रोकते हैं किसी भी डील को कैंसिल होने से, क्योंकि जिसमें हमने ऐसे दोस्ती खाते में किया, फॉरफिट का नहीं था, वो आराम से घूम घाम के आया इधर उधर से। क्या होता है, अभी मैं बायर हूं, मैंने घर ले लिया, टोकन दे दिया, जाऊंगा मैं रिलेटिव को बताऊंगा, फ्रेंड को बताऊंगा मैंने ले लिया। आप मान के चलो 80% 90% लोग बोलेंगे अरे आप फंस गए, बहुत महंगा ले लिया, अरे वहां पे तो ये था, उसने ऐसे था, तो उसके मन में आएगा कि मैं गलत डिसीजन कर बैठा, और वो बोलेगा यार चेंज हो जाएगा। पर एक बार उसने पैसा दे दिया, अटक गया है, उसको पता है एडवांस है, ये वापस नहीं मिलना है, तो वो उल्टा डिपेंड करेगा, बोलेगा ऐसा नहीं है, मैंने चेक किया, अच्छा है। वो सोचेगा कि अपने आप को फंसा हुआ नहीं बताना चाहेगा। टोकन जरूरी है और ये क्लॉज समझाना जरूरी है कि अगर बाय चांस कैंसिल होता है तो आपका पैसा वापस नॉन रिफंडेबल है। आप इस तरह से उसको कैंसिल को रोक सकते हो। दोनों फ्री रहेंगे तो इंसान की फितरत है, जिसमें भी जब मौका मिलेगा वो निकल जाएंगे, फिर तो कभी कुछ होगा ही नहीं। बोलना कैंसिल करना है करो ना, फिर 2 लाख क्यों सोचना है 1 करोड़ में ना, क्योंकि सामने वाले ने रोक के रखा 2 महीने आपके लिए, बैठा रहा, आप अचानक मना कर दिए, उसका रेंट गया ना उतना 2 महीने का, और कितने बायर आए थे उसके पास, वो सब रिटर्न किया कि मेरा तो डील हो गया है, आप एकदम लास्ट हो, क्योंकि सामने वाला भी प्लान करता है मेरे पास इतना पैसा आएगा मैं आगे भी कुछ करूंगा, आप आके बोल दोगे कि बस मैं तो नहीं ले रहा, हो गया फिर तो काम। तो जो सिस्टम बना है वो दोनों को अच्छा संभालने के लिए बना है, सिस्टम से करोगे दोनों सेफ रहोगे, अपने दिमाग से करोगे तो फिर देखना प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मुझे अच्छे से बताना चाहिए बस। यस, और कोई क्वेश्चन? सबको सब कुछ आता है इसका मतलब, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। तो तो बहुत, मैं पूछो ना, बहुत है तो जो पूछो। एक दिक्कत जो आता है सर, मतलब अगर आप खुद कॉल हैंडल कर रहे हैं, आपके सारे पोर्टल पे ऐड चल रहे हैं, तो मैं ना बंदों को कॉल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और देने में डरता हूँ, क्योंकि ये लोग तो जॉब का है तो वो छोड़ देंगे कॉल, वो शायद मिस कॉल होके रह जाएगा। हाँ, तो खुद ही सारा ले लेता हूँ, तो बहुत कॉल आते हैं, मतलब ये सारे लोग ऐसे, मतलब लिस्टिंग मान लीजिए 200 के ऊपर लिस्टिंग है। हाँ, अभी ये पूछेगा फोन करके, हाँ जी आपका एक प्रॉपर्टी देखा, वो कहाँ पे है वो, अभी मैं उसको, मेरे को अभी क्वेश्चन करना है, तो इसमें वो भी रूठ जाता है कि अरे आपको पता नहीं कौन सा आपने दिया है, तो आप, मैं पूछता हूँ आप डिटेल बताओ, तो डिटेल तो उसने देखा है, तो मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है वो कौन सा देखा है वो, तो इसमें दिक्कत आता है। तो आप सर कैसे, मतलब जब आपका, जब आप मतलब शुरू में आप जैसे थे, थोड़ा थोड़ा करके तो आपका ग्रोथ हुआ, लेकिन ये जो ग्रोथ के प्रोसेस में पॉइंट सी टू पॉइंट डी में अगर आप जा रहे हैं, तो उसमें जब कॉल आना बहुत ज्यादा हो गया, खुद खुद को ही सब संभालना पड़ रहा है, हाँ, तो इसमें आप कैसे मैनेज किए उस टाइम, कैसे खुद को फ्री किए और पूरा सिस्टमेटिक किया उसको? अभी देखो, पहले मैं खुद करता था, क्योंकि ये पहला जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट का, तो वो आदमी बहुत सॉलिड होना चाहिए, वो ढीला ढाला है तो, क्योंकि आपकी इमेज उसके दिमाग में तब आती है। आप कोई भी ऑफिस में कॉल करो और जो अटेंड करता है, अगर वो 10 घंटे की बात कर रहा है तो मैं उस ऑफिस को फालतू मानता हूँ, 3 बेल के अंदर अटेंड कर लिया तो समझता हूँ ये बहुत तेज तर्रार है, और उसके बाद उसकी जो बात करने के तरीके हैं उससे भी मैं बहुत बड़ा उसके बारे में अनुमान लगाता हूँ कि ये है काम के, हेलो हाँ जी बोलो, ऐसा एक है गुड मॉर्निंग, हाँ मतलब वो जो रहता है ना वो स्पार्क दिखना चाहिए, तो वो अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छे के लिए आप कर रहे हो, समझो आपका काम अभी बहुत बढ़ गया है, तो वो दूसरे को देना चाहिए। अब दूसरे को सही कैसे ढूंढे, कोई तरीका नहीं है, 4 को लाओ, 3 को निकालो, 1 को रखो, हायर फास्ट फायर फास्टर, दना दन लाओ निकालो, लाओ निकालो, आपको मिलेंगे 10 में से 1-2 ऐसे अच्छे लोग मिलते जाएंगे जो काम के होंगे। ऐसे नहीं कि सबके सब बुरे होंगे, सबके सब अच्छे आएंगे। तो इस बिजनेस में याद रखो कि कभी भी रिक्रूटमेंट बंद मत करो, हायरिंग चालू रखो, काम का नहीं है साइड में करो, नेक्स्ट को लाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे लाते रहो, ऐसे करके मेरा ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि 1 साल में एक अच्छा बंदा मिल पाता है, होते बहुत ज्यादा है, हर महीने आते हैं तीन चार, लेकिन अगर मुझे 10 साल बिजनेस में, तो 10 लोग मुझे एकदम अच्छे मिल गए हैं जो काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो ये मैंने देखा है, तो आपको देख लेना चाहिए कि अगर 3 साल हो गए तो 3 अच्छे बंदे बना दिए क्या। और हमेशा फ्रेशर लेना और चाहिए, क्या जी, एज कम हो और फ्रेशर हो, ऐसे ऐसे बंदों को लेना चाहिए ना। मेरा हमेशा नए लोगों पे बहुत भरोसा रहता है, मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ यंग ब्लड में। ऐसा नहीं कि पुराने खराब होते हैं, बट मैं ज्यादा यकीन, जितना यंग है उतना ज्यादा मेरे को सही लगता है। सीखने की भूख हो, ऐसी ऐसा बंदा हो कि सीखना चाहे। वो समझ, मैं वो उसको हमेशा बोलता हूँ कि हैश क्वालिटी होनी चाहिए, हंग्री, एम्बिशियस, शार्प, हम्बल, अगर ये है तो वो सही है। फिर उसको सिखाने का 15 दिन देखो उसको, नहीं तो फिर नेक्स्ट। पर कभी भी नया ब्लड आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो रुक जाता है एक जगह पे। रुका हुआ पानी जैसे बदबू मारता है ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसे हो जाएगा। कोई आएगा नया, ऐसा चमत्कार कर देगा, नया आइडिया, नया एक्साइटमेंट भर देगा, तो वो हमेशा चालू रखो। 4 में से 1 अच्छे मिलेंगे, बस चलाते रहो और सर उनको देते सैलरी पे जाओ लेना ज्यादा। चाहिए, सर सैलरी पे लेना चाहिए या शेयरिंग बेसिस पे लेना चाहिए? वो सैलरी पे शेयरिंग लोग शेयरिंग बेसिस पे, इंडिया के बाहर ज्यादा है ना, इंसेंटिव बेसिस पे रहता है, सैलरी पे नहीं रखते लोग, पर इंडिया में सैलरी वाला ही ज्यादा चलता है। वहां पर एक ब्रोकर होता है, एजेंट है, अपनी एग्जाम पास करके लाइसेंस लेके आता है, फिर वो सिलेक्ट करता है कौन से ब्रोकरेज फर्म के साथ काम करना है, और फिर वो सब उसको सेंटर, नॉलेज सेंटर बोलते हैं, वहां पे सब इंफॉर्मेशन मिलेगा, सब भी बताया जाएगा, ये आदमी को सब प्रोवाइड लीड वगैरह भी देंगे। एंड स्प्लिट होता है 60-40, 25-75, 50-50, 80-20, अलग अलग स्प्लिट रहते हैं, ये डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस पे। तो ऐसे करके काम होता है हर कंपनी, जैसे इंडिया में भी रिमैक्स आया तो वहां कोई सैलरी बेस पे नहीं है, सबके सब वहाँ इंसेंटिव पे काम करते हैं। उल्टा उनका मॉडल ऐसे रहता है कि जैसे वो एक ऑफिस खोल देंगे, ब्रोकर होगा, उसके बाद जितने भी एजेंट है वहां पर आएंगे, पर एजेंट खुद पैसा देता है वहां पे काम करने के लिए, 5,000 ऐसा चार्ज करते हैं, डेस्क फी बोलते हैं उसको। तो एक समझो मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास 20 वर्क स्टेशन है, तो 5-5 हज़ार लोग देके उस पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो 20 की जगह मैं 100 भी रख सकता हूँ, क्योंकि सबके सब परमानेंट बैठे नहीं रहते, तो उनका खुद का भी खर्चा बच जाता है, हर एक को अपने ऑफिस की जरूरत नहीं है, है ना। पर ये जो ब्रोकर है उसका इनकम गारंटी है कि 1 लाख रुपए तो वो ऐसे ही बना रहा है, उसने सेंट्रली एक वॉशरूम है, वाईफाई कर दिया, बेसिक हॉल कर दिया मीटिंग के लिए, और ऐसे करके उनका काम चलता है। और जो भी वो डील करेंगे, ब्रोकर उसको हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन में, या उसको एक ब्रांड नेम रहता ही है कि मैं रिमैक्स का हूँ, और फिर उनमें स्प्लिट रहता है 50-50, 60-40, 80-20, ऐसे डिपेंड करता है इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे, पर इंडिया में सैलरी बेसिस पे रहता है, तो सैलरी बेसिस पे करो। कोई कर सकता है इंसेंटिव पे तो इंसेंटिव पे रखो, आपकी मर्जी। अभी धीरे धीरे जो वेस्ट में होता है वो यहाँ भी होगा, जैसे मेरा आगे प्लान ये है कि सैलरी बेसिस पे नहीं, इंसेंटिव पे रखो, कोई टेंशन ही नहीं। नई परफॉर्मेंस किया, कम से कम ओवरहेड तो नहीं बढ़ा रहा है, नहीं तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। 20 लोग, 100 लोग रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर लोगों से काम कराना बहुत टेंशन का काम है, खुद काम करना इजी होता है। फिर उनको मॉनिटर करो, सीसी कैमरे लगाओ, ये वो, कोई इधर तो नहीं जा रहा है, इसका उसका तो नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। बेटर इंसेंटिव पे लाए, नहीं भी किया अपने घर का क्या जा रहा है, वो उसका भुगतेगा, और चाहे 100 आदमी आए, चाहे 500 आदमी आए, तो अब करते उसमें रहो। तो उसका ना आगे अगर कमिटमेंट कमिटमेंट नहीं रहता, उसमें उसका तो उसकी कमीशन पे है प्रॉब्लम लेकिन है, घर बैठे करता है। वो कैसे होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, ऐसे नहीं कि आप सैलरी नहीं मिल रही तो आओगे नहीं, आपको आना ही है, 10 से 7 बजे जो भी ऑफिस का टाइम है वो सब आपको फॉलो करना है, नहीं तो फिर नहीं आप जाओ, नहीं रखेंगे। दो को रखेंगे, दो को अच्छे सिखाएंगे जो काम करना चाहता है, क्योंकि स्प्लिट इतना ज्यादा है ना, कि अभी मान लो 1 लाख का एक डील किया, पर स्प्लिट 50-50 था, तो 50,000 उसको मिल रहा है ना, 15 से 20 हज़ार सैलरी की जगह 50,000 अच्छा है, तो उसको, जिसको खुद पे यकीन है, वो बोलेगा मैं इंसेंटिव बेसिस पे काम करूंगा, अपना भी कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा प्रॉफिट ही है, जाने को कुछ नहीं है। 1 तारीख को ऐसे नहीं है कि 50 लोगों को पेमेंट देना है, 5 लाख निकालो। इस बिजनेस में जितना हो सकता है ओवरहेड कम रखो, जितना भी है। अभी आपके पास 20 लोगों की टीम है, ठीक है, उसमें से 2 ने भी आउटराइट किया, 2 से पैसा आया ना, मेरा गया तो नहीं, सैलरी देने वाला क्या है, 20 को सैलरी देता है, भले 20-20 हज़ार दे रहा है, वो 4 लाख रुपए तो दे रहा है, इसमें क्या है। 100 आदमी भी है, मैं किसी को दे नहीं रहा हूँ, 100 में से 5 तो परफॉर्म करते ही हैं, तब भी मेरे को आ गया 2 लाख 2.5 लाख,
तो इंसेंटिव बेसिस वाला रियल एस्टेट हमेशा इंसेंटिव पे चलता है, क्योंकि सैलरी किस बात का दें अगर आदमी इतना परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, एक आउटराइट नहीं कर रहा है, दो तो घर का पैसा थोड़ी ना डाल के देंगे। हाँ इसको मॉनिटर करना भी मुश्किल होता है ना, खुद अगर डील करके निकल जाए तो क्लाइंट क्लाइंट को मतलब उप्स बोल दिया कुछ कि थोड़ा हाँ कम तो लेंगे अभी आपसे। उसमें तो उसमें अभी क्या करते हैं, जैसे रिमैक्स का मॉडल उन्होंने देखा कि ये चैलेंज आता है बाहर कंट्री में, क्या है कोई डायरेक्ट डील कर ही नहीं सकता क्योंकि सबके लाइसेंस नंबर रहते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे ये ऑनलाइन सब कोई डिस्प्ले होगा कि सनत ठाकुर या प्लवन बिस्वास ने कितने आज तक ट्रांजेक्शन किया। अभी इंडिया में भी आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, मुझे अभी मेल आ गया है कि मुझे पूरा 6 महीने में जितने ट्रांजेक्शन किए हैं सबका सब रिकॉर्ड जाके पब्लिश करना पड़ेगा, थोड़ी दिन बाद सब ऑनलाइन हो जाएगा। जैसे रेरा का आप सब देख सकते हो, बिल्डर पे कितने लिटिगेशन है, क्या है, कितनी यूनिट आ रही है, कितना सोल्ड है, ट्रांसपेरेंसी लगातार लाते जा रहे हैं। ये सब बाहर पहले ही था, तो बाहर आप छुपा ही नहीं सकते ट्रांजेक्शन, इंडिया में छुपा सकते हो। तो इंडिया में फिर क्या करना पड़ा कि लोग ऐसा करते हैं 90 और 10 का स्प्लिट रखो, 90% आपका ही है भाई, तो छुपाओगे नहीं ना, 10% के लिए क्या छुपाना, इतना सर्विस मिल रही है, रेरा नंबर मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, मीटिंग कर रहे हैं, नेगोशिएशन में हेल्प कर रहे हैं। पर अगर वो ज्यादा स्प्लिट है तो हो सकता है चोरी करें, इसमें नहीं करेगा क्योंकि अब उसको मैक्सिमम पैसा किसको मिल रहा है, उसी को मिल रहा है। तो एक जगह से 100 रुपए से अच्छा है 100 लोग हैं जो 10-10% दे रहे हैं मुझे, तो मेरी सिक्योरिटी तो कन्फर्म है। और मार्केट में पता लग ही जाता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहां पे आप 10, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा ट्रैक कर सकते हो ये बंदा गया कैसे, मिल किससे रहा है। जैसे नॉर्मल हमारे ऑफिस में सबको बोला अपना लाइव लोकेशन शेयर कर दो, 8 घंटे के लिए रहता है, वो बंदा कहाँ क्या कर रहा है सब तो समझ में आ रहा है ना, किसके ऑफिस में वो बोल रहा है वही कर रहा है कि नहीं। आपको थोड़ा बहुत, और बहुत सारे डिवाइसेस आ रही हैं आपके मोबाइल को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबके मोबाइल जो नंबर दे रखे हैं कंपनी ने, वो सबका सब मॉनिटर हो रहे हैं, आपका हर एक कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, वो चाहे जिसका चेक कर सकते हैं जिस पे डाउट आया, और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है अगर आपने किया आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके सारे इंसेंटिव ब्लॉक हो जाएंगे, आपका फिर कैरियर खत्म है। रियल एस्टेट के मार्केट में आप टिक नहीं सकते कि आदमी ऐसा है, तो लोगों को डर बना रहता है। अभी जो भी कंपनियां हायर करती हैं जाती हैं तो वो सब टर्म्स कंडीशन रहती हैं कि अगर मेरे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके गए और कहीं दिया किसी को तो आपके ऊपर ये एक्शन लेंगे, तो बंदा डरता है। पहले ऐसा होता था नया आदमी मैं हायर कर लेता था, पूरा जान लेता था उसके ऑफिस में क्या होता है, वहां का डेटा चुरा के लाया है, ये सब बता रहा है। अब वो डरते हैं बताने से क्योंकि उन्होंने वो साइन करके आया कि अगर ऐसा किया तो आपके ऊपर ये एक्शन होगा, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई जॉब कर रहे हो तो ये है टर्म्स कंडीशन, जो है प्रिकॉशन ले सकते हैं अभी, बाकी कुछ नहीं है ऐसे। तो दोनों वे में करो, हायर करके करना है हायर करके करो, इंसेंटिव वाला है तो इंसेंटिव, मैंने दोनों मैंने शुरू में किया था तो एक मिला भाई, इंसेंटिव पे करना है इंसेंटिव पे कर, उसको बहुत यकीन था। कोई ऐसा नहीं कि यही एक बेस्ट है, जो चलता है चलाओ, कुछ अपने खास खास लोगों का स्टाफ भी रखो, और बहुत जो अभी जैसे कैसे मुझे अगर बहुत देख के लोग आते हैं सर आपके साथ काम करना है, मैंने अभी तक किया नहीं, तो मैं अभी सबको बोलूंगा ठीक है ना जाओ, क्या ही दिक्कत है, यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा ट्रेनिंग मिलेगा, सैलरी पे तो मैं 1000 लोगों को रख नहीं सकता। आजकल जितना भी कम रखोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे, जिसका बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत हाई फाई है, बहुत 20-50 लोग हैं, समझो वो खाली लॉस कर रहा है, कुछ भी कमाई नहीं हो रहा है। जितना आप सोलो जाओगे, अकेले काम करोगे या ऑफिस भी आपके पास नहीं, उतना ज्यादा पैसा बना रहे हो, ये याद रखना। हाँ कोई है भी काम करने वाला है, नए नए चीजों को सीखो, टेक्नोलॉजी को लाओ, जैसे वर्क फ्रॉम होम पूरा स्टाफ कर सकता है, क्या जरूरत है आपको ऑफिस में, टेलीकॉलर है वो घर से भी कॉल कर सकती है, ये करने का है वो वहां से भी कर सकती है, खाली फील्ड में जो जाने वाले वो पर्सनली आपको आदमी चाहिए, वो भी साइट पे जाके लोग बिठा देते हैं। ये ऑफिस लाना मतलब 50,000 का खर्चा आपका कंफर्म हो गया, इतना रेंट जाएगा, इतना लाइट बिल जाएगा, इतना मेंटेनेंस जाएगा, इनकम का कंफर्म नहीं किया, ओवरहेड आपने बढ़ा दिया, 10 आदमी का और सैलरी चालू हो गया, 10 आदमी के ऊपर एक एचआर रख दिया, एक अकाउंटेंट रख दिया, एक ऑफिस बॉय रख दिया, आप तो मतलब कुछ भी नेट कमाई नहीं है। मार्केटिंग का कॉस्ट 25% सैलरी में जाएगा, 25% एडमिन का जाएगा, 25% नेट 25% बनेगा, कंपटीशन दुनिया में इतना ज्यादा है, ऊपर से इनकम टैक्स कितना, आप 30% भरोगे, अगर इतना बड़ा स्टाफ है तो आप 20 लाख के ऊपर तो जा ही रहे हो, अगर पूरा ईमानदारी से सब सही बिजनेस किया तो कमा के कुछ भी नहीं ले जाओ, उससे अच्छा अकेले करो, एक शॉट दो शॉट मारा, बड़ी प्रॉपर्टी में काम किया, 5-10 लाख बनाया, सुकून की चैन की बंसी बजा के सो रहे हो, मुझे ये लगता है। अभी मैंने अभी पहले लगता था कि ऐसा अच्छा लगेगा, अरे मेरे ऑफिस में इतने लोग हैं ऐसा है, अब वो बकवास है,
जितना अकेला मैं कमा सकता हूँ आराम से 20-25 लाख महीना कमाऊंगा, पर लोगों को लाना मतलब मेढक को तौलने जैसा है। आप मेढक को रखो तराजू में 10, और जैसे वजन रखोगे 2 कूद जाएंगे उसमें से, है कि नहीं? तो ये लोगों को संभालना, ये सब आते हैं सीखते हैं, अपना ही डाटा चुराते हैं, जाके अपने अगेंस्ट में काम करते हैं, अपना कॉम्प्यूटर तैयार करना है। अगर आपने किसी को अच्छे से सिखा दिया तो तुम्हारे सामने एक और ऑफिस आएगा और वो तुम्हारे ही पीछे पड़ेगा। तो ये सिचुएशन से अच्छा है अपना नॉलेज रख के खुद काम करो, सोमड़ी में एक कार, एक मोबाइल या एक बाइक और मोबाइल, और मस्त अच्छी प्रॉपर्टी जो बड़ी लेवल की है, अच्छे से ट्रेंड कर लो। लोग गलती क्या करते हैं, रियल एस्टेट में आ जाते हैं, बाद में सीखने की कोशिश करते हैं। पहले सीख लो और फिर करो, फिर देखो कोई फेल नहीं होगा और बहुत पैसा बनाओगे। और देखो इस बिजनेस में आप जो लोगों को लाते हो, जो आदमी काम का होगा सीख जाएगा, वो आज नहीं तो कल अपना चालू करने वाला है, बोलेगा मैं कमा रहा हूँ और सब सनत को दे रहा हूँ, कुआं मैं खोदता हूँ पूरा पानी सनत लेके जाता है, मेरे को खाली एक बाल्टी दे देता है। आएगा कि नहीं? किसी प्लवन भी होगा सनत भी हाँ होगा। मैंने भी किसी देर काम किया तो मैंने देखा सब मैं कर रहा हूँ, लीड भी मैं, नेगोशिएशन भी मैं, क्लोजिंग भी मैं। 2 लाख ब्रोकरेज आया, मेरे को इंसेंटिव दिया 10%, बोला 20,000 लो, 1,80,000 रखा, जबकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो मैं खुद के लिए क्यों ना कर लूं, 2 लाख पूरा कमाऊंगा ना। क्या लगता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट? कोई इन्वेंट्री तो खरीदनी नहीं कि 2-4 करोड़ बैंक का लोन लेके मैं बिजनेस चालू करूंगा। हो गया, मैं रियल एस्टेट में आ गया, एक रेरा का एग्जाम दे दिया, ज्यादा से ज्यादा 10,000 में बिजनेस चालू हो गया मेरा। तो ये बिजनेस में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अच्छे लोग नहीं मिलते, और अच्छे लोग मिलेंगे वो आपको फिर कॉम्पिटिशन देंगे। अब मेरा बिजनेस चल रहा था, मैंने बहुत अच्छा किया, एक ऐसा यूएसपी निकाला, उसके बाद एक और ऑफिस डाला, वो भी अच्छा चलने लगा, पर हर जगह नहीं जा सकता। मैंने अपने खास आदमी को भेजा मैनेजर बना के, तो जो मैनेजर रहता है वो डैमेजर रहता है, जाके उसने अपना धंधा चालू कर दिया और सारा वही डेटा वही क्लाइंट, क्योंकि वहां वो सब कर रहा था, देख रहा था, उनके टच में था। आप हर जगह जा नहीं सकते ना, आपके पास भगवान ने 10 घंटा ही दिया है दिन में काम करने के लिए, तो धंधा बड़ा करना बड़ा टफ रहता है। तो अब क्या करें, फिर अपने लोगों को लाएं, अपने घर परिवार, मामा भांजा भतीजा, बट वो उतना टैलेंटेड होना चाहिए, उसको आप एम्प्लॉय जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो तो दामाद बन के बैठेगा, कुछ करे नहीं करे उसको चाहिए सब चीज। मैं तो ये हूं, तो ये बिजनेस का सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है कि अच्छे लोगों को लाना और काम कराना। अभी पहले जैसे एम्प्लॉय नहीं रहे जो लॉयल रहते थे, या कंपनी को लेके कि मेरी कंपनी है वो करते थे, और हमारे पापा लोग रिटायर होने तक 40 साल 60 साल उसी कंपनी के एकदम वफादार बने रहे। अब तो इधर रहे उधर 10% हाइक मिला, उधर गए इधर गया, इधर डाला उधर ओपनिंग में उधर डाला। कंपनियां भी ऐसी, एम्प्लॉय को कुछ सोचती नहीं है, वो भी उनको यूज करती है, और वो भी अभी होशियार हो चुके हैं। तो बेटर है कि कम के साथ ज्यादा पैसा बनेगा, लेस इज मोर। अभी ऐसा टाइम आ गया है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करो, जो 10 एम्प्लॉय को रखते हो उससे अच्छा लीड पे खर्चा करो। अगर तो आपको देखो सब तो खेल तो पूरा लीड का है, उसमें डालो वो जो 1 लाख डाल रहे थे सैलरी में, और खुद जाके ज्यादा ज्यादा काम करो, देखो पैसे बहुत बनाओगे। हाँ, पर 2-4 लोग हैं वैसे, उनके साथ काम कर सकते हो जो अच्छे मिल जाए, समझ गए? एकदम सर, यस एकदम। सर। क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसी बातें नहीं बताता जो एकदम प्रैक्टिकल चीजें, आप लोग जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं सर और क्या होता है दुनिया में, इसमें कोई छुपा के। आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स किया था इसमें मुझे मजा बहुत आया, और मैंने अब आगे एक बड़ा डिसीजन लिया है मेरा, मतलब आने वाले समय में 28 सितंबर मेरा जन्मदिन होता है, तो उस दिन एक ऐप लॉन्च होगा सनत नाम से, ऑलरेडी उसके ऊपर काम चालू है, वहां पे आप लोग सब ट्रेनिंग करेंगे। तो ऐसे बैठ के ये सारा लाइव होगा, आप उसमें बात कर सकते हैं, वेबिनार होगा, इनफैक्ट ये वेबिनार भी उनके थ्रू हो रहा है अगर आपको बताऊं तो। वो ऐप में सारे कोर्सेज, सारे मतलब मॉड्यूल्स कैसे वो तरतीब वाइज रहेंगे कि बिगनर को ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नया होगा तो सब उसके ऊपर से बाउंसर जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय की उसने कहीं सोची नहीं हो तो सोच रहा है मेरे को कैसे लीड जनरेट करूं। तो उनके लिए अलग अलग सबके लिए, क्योंकि 10 जो फर्स्ट क्लास में बच्चा उसको 10th में डाल देंगे तो वो ऊपर से जाएगा ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कोर्सेस रहेंगे, आप लोग जाके वहां पे वो कोर्स को बाय कर सकते हो, जिसकी कीमत 500 1000 रुपए ऐसी होगी, सिंपल पर नॉलेज लाखों का होगा, और वो पूरे प्लान रहेंगे, तो वो जाके परचेस करना। ये मीटिंग हम ज्यादा ज्यादा एक और करेंगे, क्योंकि ये लास्ट महीना होगा, क्योंकि बल्क में करना है तो बिना टेक्नोलॉजी के हेल्प के या बिना सिस्टम के नहीं हो सकता, ऐसे 6-7 लोगों को बैठ के सर सब ऐप दो पे आप घंटा लाइव टाइम भी दे, मिलोगे क्या? लाइव भी, लाइव ऐसे वेबिनार भी किया करूंगा। ऐप पे तो प्री रिकॉर्डेड पूरे ट्रेनिंग सेशन रहेंगे, बट उसके थ्रू ही हम ऐसे ये वेबिनार भी कर सकते हैं,
वो ट्रेनिंग पर्पस के ही लिए ऐप डिजाइन हुआ है। जितने भी बड़े कोचेस हैं, ट्रेनर हैं, वो सब उसी को यूज करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे और फंक्शन होते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ये हैं, समझो मेरे को कोई फॉर्म है कि आप सर फी लेटर कैसे साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैसा करना चाहिए, ये जो आप एमओयू बनाते हो तो कैसे, एग्रीमेंट टू सेल का भी एक तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको मिल सकते हैं। बहुत ही मतलब वो एकदम वर्ल्ड क्लास रहने वाला है। और बस ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन और है, आप लोग तो पहले हो जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो गेट एक्साइटेड अबाउट इट, उसका ज्यादा ज्यादा फायदा लेना, क्योंकि ये बिजनेस में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, पर फेलियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग सीखते नहीं है, करते हैं। पहले सीखना है फिर करना है, लोग करते हैं बाद में सीखते हैं एंड देन फिर फेल हो जाते हैं। तो पहले ये करो कि इसको ढंग से किसी ने किया तो आराम से, मतलब मेरे को लगता है मिनिमम 5 लाख का कोई भी बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 से 5 साल लगेंगे, डिपेंड करता है, या कोई रिमोट एरिया में थोड़ा कम हो सकता है, पर शहरों में तो अनाप शनाप कमाओगे। तो वो प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, ऊपर की बातें नहीं, लीड जनरेशन और ये छोटी मोटी बातें नहीं, कि ये चीजें कभी मत करो और देखो आपको ग्रोथ मिलेगी। तो वो ऐप भी आने वाला है, ये एक न्यूज देनी थी। और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, और कोई क्वेश्चन? चलो सर, मैंने रेरा एग्जाम दिया था बट सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, तो कुछ आइडिया है क्या कब तक आता है वो? नहीं, वो टाइम लगा देते हैं, बट आप पास हो गए हो ये तो पता लग गया होगा आपको। हाँ, पीडीएफ में आ गया नाम। हाँ बस मेरा भी उसी में आया है नाम, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ जाएगा सर्टिफिकेट। वो आने के ओके, बाद फिर अपने रेरा से कनेक्ट कर देना उसको, यस, ओके। तो आ जाएगा। पर एग्जाम कैसा रहा आपका, टफ लगा या इजी लगा? ओके ओके था, मतलब इतना इतना भी टफ नहीं था। कुछ इतना भी नहीं था, पासिंग मार्क मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, मतलब मैं बहुत हाँ लाइटली ले रहा था, बट ऐसा नहीं है जो एकदम ही कुछ नहीं बोलते ना ब्रोकर, जो ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है कोई भी है, तो उनको लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फेल फिर भी हुए हैं कुछ लोग, पर ठीक है, राइट अच्छा है ना ये सारी चीजें, जितना होगी फिल्टर लोग, अच्छे लोग बचेंगे, जो ऐसे इधर उधर करते थे उनको मुश्किल हो जाएगा। यस सर, बराबर। टच में बने रहो। आपने क्या सकाल वालों से लिया था, किससे लिया था? मैंने वो रेमी करके है ना, अच्छा, मुंबई रेमी में। से हाँ लिया था। हाँ मुंबई का लिया था, चार ही है ना जो देते हैं, सकाल वाले, रेमी वाले, और एक क्या नार है, क्या एक हाँ है और रियल स्टेट का, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए। हाँ सनत सर। नीश हाँ सर, मेरे बोलो। को ऐसे पूछ रहे थे, मैं रेंटिंग कर रहा हूँ ना सर। जैसे रेंटिंग में कभी कभी फोर्स सेलिंग सेलिंग भी करनी पड़ती है। फोर्स सेलिंग द सेंस, जैसे कस्टमर को चाहिए ही है अनफर्निश्ड, लेकिन अपने पास कुल मिला के फर्निश में ऑप्शन मिल रहा है उनके बजट में, तो किसी तरीके से उनको कन्विंस करना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे मतलब ना ना इसकी सर, रिक्वायरमेंट उनका एक्चुअली। रिक्वायरमेंट नहीं, आप उन अपना चिपकाते रहने का, जो अपने पास है भेज देने का, उनको कन्विंस करने का, वही चीज अच्छा, जैसे जैसे सर आप वो किसी का अभी फर्नीचर अपना वगैरह है, मैं उनको कन्विंस कैसे करूंगा? क्या किसी का, आप पूरा जैसे आप किसी क्लाइंट बन के का मेरे से पूछ। सर हाँ मेरे को पंचकुला में घर देखना था, 3 BHK अनफर्निश्ड सर। आपके पास फर्निश अवेलेबल है सर? ये है, मतलब मेरे पास फर्निश अवेलेबल है जो हाँ उनके मत, बजट में। आप आ जाओ, देखो मेरे को कोई कुछ भी मांगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं खाली उसको बोलता हूँ आ जाओ, फिर जो मेरे पास है थोड़ा उसका सुनता हूँ और अपना बेचने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो सेल हो चाहे वो रेंट हो। जैसे आपने बोला 2 BHK मेरे पास है ही नहीं, 3 BHK है, 4 BHK, कोई फर्क नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहे, वो क्लाइंट को मैं बोला नो प्रॉब्लम सर आ जाओ आपको दिखा देंगे, मेरा काम रहता है बुलाना, मैं फोन पे कुछ कोशिश ही नहीं करता, आ गया तो मेरे को इतना तो पता लगा जेन्यून है। अब मेरे पास नहीं है, दूसरे ब्रोकर के पास ट्राई करूंगा, वो बंदा आए तो सही, और नहीं तो जो मेरे पास है मैं पूछूंगा कि क्यों ले रहे हो, नहीं नहीं मेरे को फर्निश चाहिए था या अनफर्निश चाहिए था, मेरे पास सर आप अनफर्निश ले रहे हो, मैं आपको फर्निश इतने अच्छे रेट में दे रहा हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी में दे रहा हूँ आपको, मतलब कहाँ दिक्कत है, थोड़ा सा इतना तो सा फर्क है, फिर आप दिक्कत सोचो बदले में क्या। हाँ प्लीज बोलो आप तो एक्चुअली नीवेश। प्रॉब्लम क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास अपना फर्नीचर वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है, एसी भी अपना है एंड जो बेड एंड ऑल सब कुछ अवेलेबल है। फर्निश मेरे को चलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो सामान का क्या करूंगा मैं? तो देखो ना सर, कहीं रख सकते हो तो वो देख लो, या क्या क्या नहीं चाहिए, हाँ एक बार आप
एक बार आप फ्लैट देख लो, उसमें से क्या क्या नहीं चाहिए। अब भले ओनर ने कुछ ऐसा बोला नहीं था, पर मैं अपने मन से अभी मैंने बुला लिया उनको यहाँ तक, मेरा कोशिश रहेगा फ्लैट तक लेके जाऊं। मैं एट अ टाइम खाली फोकस करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, एकदम से टोकन हो जाए सेल कर दू, वो नहीं। उतना ईजी है उतना ईजी करो। तो मैं बोलूंगा आप देखो, जो जो आपको नहीं चाहता होगा निकाल देंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है सर, चलो सर कब उन्होंने देखना मानते है। नहीं है, एक्चुअली मैंने ओनर से बात की थी, उन्होंने मानते नहीं वो है, नहीं आपने हम नहीं मानते सोचना ऐसे है, नहीं। आपने नहीं सोचना है। अभी आप मत डिसाइड करो, मैंने जो किया वो करना है आपने। देखो ठीक है ऐसे भी गुंजाइश नहीं थी, आप मुंह पे भी बोल देते नहीं मेरे पास नहीं है, वो तो हो गया, बैठे रहते मक्खी मारते। कम से कम कुछ कर तो रहे हो, चांसेस तो बन रहा है, चार में से एक तो आ जाएगा लपेटे में। चारों को मैं ना राइट बोल सर, दूं उससे अच्छा क्या, तो भी कोई तो भी थोड़ा एडजस्ट करने को तैयार हो जाएगा। तो आपसे मैं विनिंग एज में हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी है मेरी। खाली ना बोलता ना तो किसी के लिए भी आसान है कि नहीं सर मेरे पास तो फुली फर्निश है। मैं बोलूंगा सर आओ देखते हैं, फिर यहाँ आया मैं बोलूंगा अरे वो तो चला गया सर, लेकिन एक और ऑप्शन है फर्निश है, लेकिन आप आके देखो थोड़ा बात कर लेंगे। वहां तक लेके गया, वहां अगर उसको पसंद आ गया और वो बोल रहा है लेकिन मैं फर्नीचर क्या करूंगा सर, देखते हैं ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं, अभी क्या क्या है आपके पास, फिर बात करके मैं उसमें देखूंगा कहीं कुछ सेट हो सकता है। बात करने से ही बात बनती है, पर मैं शुरू से ही बोल के हेलो हाँ नहीं मेरे पास फर्निश है रख दिया, ये तो फेल होने की गारंटी है। फिर राइट सर, मैं दूसरे, फिर जब ये आ गया इससे रिलेशन बिल्ड हो गई, कहाँ काम करते हो कैसा है, फिर मैं ब्रोकर को लगाऊंगा ना, किसी के पास तो होगा भाई, एक हाँ क्लाइंट सही है बात है, उसकी एक बार ऐसी आ ऐसी जाए तो हमारे क्लोज रिक्वायरमेंट भी है। हो जाता है। राइट अरे जब आप मिलोगे तभी समझ बढ़ती है, और वो भी आपका ऑफिस देखता है, आपकी पर्सनालिटी देखता है, मिलता है जुलता है ट्रस्ट। 10 आदमी फोन पे ही यस नो कर रहे हैं, आपने बुला लिया, 10 से आप आगे हो, आपने विजिट करा दी, आप उसमें भी आगे हो, उसके बाद उसको बोलो लेट्स फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं, उसको भी अच्छा लग रहा है आप मेहनत कर रहे हो, तो आप बिजी भी हो काम भी कर रहे हो सीख भी रहे हो, इंटरेक्शन हो रहा है, क्लाइंट भी आपके हाथ में आ गया है। मैं ज्यादा ज्यादा बोलूंगा सर मेरे पास एक टाइम दो, कल मेरे पास आ रहा है ऑप्शन जो आपकी जरूरत है, भले मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं खुद होके कभी बोलूंगा ही नहीं है। मैं बोलूंगा अच्छा सर कल एक फ्लैट आने वाला है, कल आपको फोन करता हूँ दिखाता हूँ, अब कल नहीं आया मेरे पास, मैं तब तक अपने हाथ पैर तो मार रहा हूँ नहीं आया, मैं बोलूंगा सर थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप मेरे को कब है आपको पोजिशन कब से चाहिए, तो बोलेगा अरे सर 15 तारीख तक में 3 फ्लैट आ जाएंगे आपके लिए खाली करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, अब दो 3 दिन का टाइम दो, मैं फुर्सत क्या है एक और है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मांग रहा है जबकि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं दिखावा कर रहा हूँ समझो, 30 हजार में मिलता है पर वो सर 40 मांग रहा है, वो सही दिखा बात के है, मतलब है क्या, बोले नहीं नहीं वो तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए सर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ फ्लैट आ जाएंगे, आप मेरे पास रहो कहीं जाओ मत, मैं आपका काम करवा दूंगा एंगेज कर रहा हूँ ना उसको, यही तो स्किल है थोड़ी हाँ सी, जी सर इसी में तो जीतते हैं, समझ समझ गया। गए। कस्टमर को जोड़ के रखना है अपने साथ, मतलब किसी भी तरीके से उनको। इसमें मैंने क्या किया, जैसे मेरे को 11 बजे फोन आया मॉर्निंग में, कस्टमर को 2 BHK अनफर्निश्ड चाहिए था, मेरे पास अनफर्निश्ड उनके सेक्टर में अवेलेबल नहीं था। मैंने जानबूझ के झूठा मूठा एंट्री की 5:30 पे आप आ जाओ, तब तक एटलीस्ट मैं कलेक्ट तो करूंगा, ढूंढूंगा तो सही। कस्टमर को बोलता कि सर देखते हैं अगर अवेलेबल हुआ, मैंने ऐसे बिहेव किया कि सर है मेरे पास ऑलरेडी, मेरे पास अवेलेबल है, आप 5:30 आ जाओ, वो तब तक किसी ब्रोकर के थ्रू ढूंढूंगा। ये सही, मैं समझ गया सर, तरीका समझ गया आपका कि बुलाने वाला। ये बिजनेस एक कला है, खाली ऐसे नहीं कि हाँ है और नहीं है बोलना है, ऐसे करके अमीर बनते तो पूरे टेढ़े वाकड़े सब लोग अमीर बन के मस्जिद में घूम रहे होते, इतना आसान ये धंधा होता तो कार्गो डॉक्टर इंजीनियर और ये दिमाग लगाना, ब्रोकर बन जाओ, एक आएगा बोलेगा ये फ्लैट है नहीं है बोलेगा, वो चेक दे देगा बोलेगा कमीशन कितना ये ले लूंगा, हर चीज में कुछ लगाना पड़ता है दिमाग, थोड़ा हटके सोचना पड़ता है, एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी रखनी पड़ती है, जो नहीं होता उसको भी करेंगे तब आप हीरो, जो अपने आप हो रहा है नहीं तो फिर आपकी गरज क्या है, समझ सही लो बात है सर, उसको बताना सही है बात है, समझाना है, थोड़ा ओनर को भी बोलना है सर देखो अच्छा रेंट दिला दूंगा, थोड़ा फ्लैट है खाली कर लो, कई बार बात बन जाती है, वो बोलेगा ठीक है ना यार मेरे घर पे यहाँ पे रखवा दे दो चार सामान कर दे, अपने को क्या दिक्कत है, नहीं तो बिछवा डालो सामान, कई बार होता है ये सारी एग्री चीजें, पर आप कुछ करो ही नहीं, बैठे रहो खाम खा और सोचो कि सब हाँ ना बोलने से हो जाएगा, तो नहीं होगा, और यही करते हैं 99% लोग, देखा हो आके बैठा है, तो आपको इनिशिएटिव देना है कि इसमें से कुछ हल निकालेंगे, कुछ नहीं बीजी आपका क्या गया बोलो ना, वो अपना पेट्रोल डाल के आ रहा है ना, अपना ऑफिस छोड़ के भाग रहा है, समझ रहे हो, समझ रहा हूँ सर। सर चलो नेक्स्ट। आपने आपने ये भी बताया था कॉल के बाद कि जैसे इंटरेक्ट कैसे करना चाहिए, जैसे एक बार आ गए वो हमारे साथ,
पूरा अच्छे से नाइस वे में इंटरेक्ट करना है कि जल्दी जल्दी कर दे, अपने का थोड़ा हरी में रहना है कि मेरे पास और भी कस्टमर है, मतलब और भी लीड्स है, कि उनको जेंटली दिखाना है, मतलब बताते हुए कि यहाँ पे ये है या आपके पास हाँ बात है। जेंटली, मीठा मीठा, प्यार से, जैसा देखा साम, मतलब मौका देख के, कभी गरम होना पड़े गरम, कभी ऐसा, कभी वो, एक्टिंग आ जानी चाहिए आपको, शाहरुख खान। अरे सर सही कहाँ ये है बात। देखेंगे, फिर गुस्सा हो गया तो सर देखो मेरे को ये बात पसंद नहीं लगी आपकी, आप बोलते हो आते हो 1 घंटा लेट, कैसा है कि फिर मेरा डिस्टर्ब होता है काम, कभी फिर अलग ढंग से बोला, कभी चाय पानी पिला दिया, आप ऐसे हो कि सबके साथ कैसे एडजस्ट हो जाते हो और अपना काम बना के निकल देते हो, इतने एग्री क्लाइंट से सर। मिलते हो, इतनी बात करनी पड़ती है, सालों साल रह लिए, अब आपके लिए कुछ नहीं है, सामने वाले को चाहे जैसे घुमा दो, ऐसा होना चाहिए, अपने को कोई बोल के समझे जा सर। नहीं सकता है, अब ये धंधे में इतना टाइम निकाल दिया है कि पूछो मत, तो क्लाइंट मेरे को नहीं घुमाता है, मैं मेरे हिसाब से हर चीज करते रहता हूँ, होगा वही जो हमने सोचा समझ है, बराबर है ना। गया सर, समझ गया। तो हाँ, तो ऐसा नहीं कि बहुत ओवर मस्का मार रहे हो, हाँ जी सॉरी प्लीज सर थैंक यू, वो आया कि जाके कार का दरवाजा खोल रहे हो, फिर उसको आके फूल बरसा रहे हो, फिर चाय कॉफी लो सर, ऐसे नहीं तो ये चाय पीने वाले कस्टमर इतने आएंगे ना, मैं समोसा कस्टमर बोलता हूँ, चाय समोसा, वो कस्टमर आपका पूरा समय बर्बाद कर देंगे, होगा कुछ नहीं, लेंगे देंगे कुछ नहीं, तो वो नहीं चाहिए, पहले ही मैं समझ जाता हूँ लेना है सीरियस है, तब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं। समझ गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट 10 मिनट बचे हैं। सारे क्वेश्चन खत्म। वाह क्वेश्चन तो बहुत है सर। वाह जी वाह, बोलो क्वेश्चन बोलो, या मैं अपनी कुछ बातें बताता हाँ रहूं अभी क्या करो कैसे आप करो। कुछ शेयर कीजिए। सर कॉलिंग में ऐसा कुछ होता है क्या कि अपनी आवाज भी मैटर करती है वगैरह, मतलब अगर पहला ही कॉल है तो मेरी आवाज से उनको चाइल्डिश ना लगे, ऐसा कुछ होता है कि आवाज में दबदबा होना चाहिए? होता है मतलब शब्द क्या कहे गए उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसको कैसे आवाज में बोले गए, है ना। एक होता है मैं बोलूं इधर आओ, एक होता है इधर आओ, वर्ड तो दोनों थे लेकिन आपने कैसे बोला वो 70% इम्पोर्टेंट रखता है, 30% क्या वर्ड यूज किए, है ना, तो उससे फर्क पड़ता है, बट ये सारी चीजों में ज्यादा नहीं, आप कॉल करोगे बेटर होते जाओगे, प्रैक्टिस करो, पर दो तीन चीजें हैं कि कॉल करते समय एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, कि आपका मान लो 150 कॉल है और 50 लोगों ने ना बोला है और बहुत मूड खराब है, लेकिन आप जो करोगे कॉल, हेलो सर गुड मॉर्निंग सर, वो कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप थके हुए हो और बोल रहे हो, तो वो जरूरी है कि आपका जोश बरकरार रहना चाहिए कॉलिंग में, बस मैं इतना ही समझता हूँ, एक्साइटमेंट इज अ की अगर आप कॉल कर रहे हो तो, और इसलिए बैठ, जब मूड अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा चाय पानी पियो या खड़े होके कॉल करो, देखो ऐसा जोश रहता है कुछ अच्छा करना है तो, पर आप लेट के बात करो देखो फर्क आता है आवाज में, आदमी बोलेगा तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या हुआ, तो इसका मतलब सामने वाला समझ जाता है कि आवाज बोलने के तरीके से क्या है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पर अपना रिहर्सल करो, कहाँ आईने के सामने ऐसे बोलो कि गुड मॉर्निंग, अपने आपको अच्छा लग रहा है क्या, उसके बाद तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, चेंज चेंज चेंज, फिर एक दिन अच्छा हो जाता है, हमेशा याद रखो पहले से अच्छा 10वां होगा, 10 से अच्छा 50वां होगा, तो करना चालू करो, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट जिस दिन हो जाऊंगी फिर मैं कॉल करूंगी, आप कॉल करने, मेरे तो कभी कभी नहीं रहता फिर भी मैं हेलो प्रॉपर्टी लेनी है क्या, ठक रख देता है, पर जब थोड़ी देर में आ जाता हूँ मूड में, दोनों बारी बारी करके कॉल करते, एक बार मैं करती, मतलब हमारा जो सर्विस बिजनेस था ना उसके लिए हम लोग करते थे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते, तो आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आपको जरूरत है क्या डिजिटल मार्केटिंग की? तो फिर कुछ कुछ लोग सब बिना सुने मेरी बात रख देते थे, और यश का पूरे पूरी बात सुन के नहीं सर थैंक यू सर बोल के कट करते, तो मेरे को बोलते थे कि आवाज ऐसी चाइल्डिश लगती रहेगी वो रखते रहेंगे। नहीं, क्योंकि अपन कॉल कॉलिंग कर रहे हैं ना तो इसमें ज्यादा रिजेक्शन ही आने वाले हैं, आप जो कर रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग का चाहिए, तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये तो ना तो सुनना है कॉलिंग में, ऐसा तो कि मैं कॉल करूंगी और सामने वाला बोल देगा कि नहीं ठीक है, नहीं तो नहीं, वो मेरे को ना ना नहीं बोल रहा, उसको नहीं चाहिए इसलिए ना।
मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई डील करने बैठता हूँ या कुछ है, सबसे बेस्ट तरीका मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं नो के लिए काम कर रहा हूँ। आप सोच बदल जाएगी कि मैं चाहता हूँ कि नो बोले सामने वाला, और वो नो बोल रहा है तो मैं खुश होता हूँ। गो फॉर नो, यू नो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे को यस की परवाह ही नहीं है। अगर मैं यस बोले ऐसा सोच के करता हूँ तो हर बार डिमोटिवेट होगा, पर मैं नो के लिए सोच रहा हूँ कि मेरे को नो बोल, चल कितने नो बोलते हैं, मेरे पे क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे रियल स्टेट में आना है ना, तो मेरी चमड़ी मोटी होनी चाहिए, ओवर सेंसिटिव नहीं। कितने रिजेक्शन, कितने नो आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वही बनाएगा जो जितने ज्यादा नो सुनेगा। अगर नो सुनने के पैसे हैं तो आप नो की चिंता करो ना कि नो बोले। मेरे को यस बोले ना, मैं बोलता हूँ मूड ऑफ किया यार, इसने यस बोल दिया, अभी इसको बताना पड़ेगा, नो सुना नो सुना, आ मजा आएगा, आज मैंने 100 नो सुने, आज मैंने 50 नो सुने। बोलते हैं कि ऐसे कंपटीशन अगर हो कि सबसे ज्यादा नो जिसने सुना ऑफिस के अंदर उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिले, और सबसे ज्यादा जिसने यू नो डील की, तो दोनों जो प्राइज लेने वाले एक रहेंगे। किसने समझा इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे कि जो सबसे ज्यादा नो सुनेगा तो उसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा कॉलिंग कर रहा है, जो ज्यादा कॉल करेगा वही तो मैंने ज्यादा। बोला था ये दो प्राइज रखी जाए एक ऑफिस में। समझो मेरे ऑफिस में 5 लोग काम करते हैं और दो प्राइज मैं रखता हूँ। एक प्राइज है जो सबसे ज्यादा नो सुनने का महीने में, और एक प्राइज उसको मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा डील क्लोज की। ठीक दोनों को एक है, जन तो पर दो प्राइज दिखने के बाद लेकिन दोनों प्राइज एक ही आदमी लेके जाता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा नो सुनेगा वही सबसे ज्यादा डील भी क्लोज करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलिंग उसी ने किया। सीक्रेट क्या है, समझ गए ना, नो सुनना सीक्रेट है। ये लोग समझ नहीं पाते, मैंने इससे बड़ा सीक्रेट ही नहीं सुना है। सेलिंग लाइन में नो सुनने वाला ही विनर होता है। लोग यस के लिए सोचते हैं, मैं नो के लिए सोचता हूँ। मेरे को अगर दिन में 4 नो सुन रहा हूँ और आप 2 नो सुन रहे हो, कौन ज्यादा जीतेगा? 4 नो जीतेगा, राइट? एग्जैक्टली, तो नो सुनने का है। यस का बिजनेस ही नहीं है अपना बॉस। ये महीने में एक आध आएगा जो यस दे देगा, एक ही यस आपके लिए इतना काफी है ना। जो बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं ना सैलरी, उनसे ज्यादा आप कमाओगे। 1 लाख के नीचे क्या ही मिलता है? 10-12 लाख का पैकेज मायने रखता है इंडिया में? महीने में एक दिन तो अपना रहेगा, तब भी आप उन बीट कर रहे हैं दूसरे को। चल 3 महीना, 100 डेज में एक दिन तो अपना रहता है ना। 100 दिन में भी एक अगर डील क्लोज करने लगे तो आप देखो कि आप एवरेज से अच्छी इनकम बना रहे हो। मैं 100 दिन में बोल रहा हूँ यार, एक तो होगा ऐसा जो अपनी यू नो हमारे लिए बनेगा। और मैं आपको बोलूं, हर एक एक्शन जो भी करते हो आपका एक्युमुलेट होता है, जैसे बूंद बूंद पानी है ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जरूर आपके हिस्से में आपके मेहनत का मिलेगा। ये ऊपर वाले का, ये नेचर का सिद्धांत है। आप नहीं करके कोई बैठे बैठे बोलो करोड़पति बनाओ तो, है ना, जो काम करेगा उसको मिलेगा, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो डरो मत, आप अपना काम करो, भगवान को बोलो भगवान तू देख रहा है, मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। एंड गॉड प्लस यू इज मेजोरिटी, समझ गए? उस पे श्रद्धा रखो, अपनी काम करो। आप हर कॉल में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, रिजेक्शन से एकदम रिजेक्शन प्रूफ हो जाने का, बोलने का। अब मेरे सामने तुम 6 लोग बैठे हो और लिखते जाओ नो 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 नो, मेरे पे क्या ही असर पड़ता है? मैं हंसते बैठूंगा, हाँ मैं जाता हूँ जैसे जाऊं, और लाख लोग बैठे और चिल्लाओ पूरा 1 घंटे नो नो नो, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? यस की तो परवाह ही नहीं है। जो कर रहे हैं अपना बेस्ट करने का, दुनिया के लिए नहीं करने का, अपना है, दिल से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जरूर कामयाबी मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो है मेरे पास, भगवान ने जबान दे दी बोलने को, हाथ पैर है जाके दिखा सकता हूँ, बस बाकी सब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कर करके दुनिया में सब एक्सपर्ट। मैं पैदा हुआ तो ये नहीं जानता था जो आज भी मैं कर रहा हूँ, समझ गए? तो जो तुम लोग तो भी बहुत लकी हो, तुमको कोई बैठ के ऐसा सिखा रहा है, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। मैंने खाली रिजेक्शन सुने, हारा नहीं, वापस काम किया। मैं बोला आने दो रिजेक्शन, क्योंकि मेरे को जो मेरे सपने हैं, मेरे को फ्री होना है, वो फ्रीडम मेरे को मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। मैं बहुत अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ कि मेरे पास करोड़ों है मैं जाके लगा के धंधा करूँ। मैंने कहा ये बिजनेस अपने जैसे गरीब लोगों का, जिसके बड़े बड़े सपने हैं और जो मेहनत करने को तैयार है उसका है, और वो आपने किया। अगर आपको भी लगता है आपके बड़े सपने हैं, मेहनत करने को तैयार हो, पैसे की दिक्कत है, आओ आप भी यहाँ पे पैसा बनाओगे। ठीक है, नो से नहीं डरना है। यस, एनीथिंग एल्स? खत्म करते हैं, अभी बहुत हो गया, सब तो बता दिया।
अभी आपको जाते जाते बोलता हूं कि इसमें एक ही चीज करो, जाके सपने देखो बड़े बड़े, यो बड़े बड़े सपने देखो भाई लोग, बाकी सब अपने आप सीख जाओगे। ड्रीम ड्रीम बिग, ये बिजनेस में इतनी ताकत है ना कि कुछ भी कर सकता है। इसमें से सारे वर्ल्ड के अमीर लोग बने हैं रियल एस्टेट से, जाके चेक करो। और वो बिजनेस में आप लोग आए हो, आप लोग बहुत लकी हो। बड़े सपने देखोगे अपने आप वो पूरे होते हैं, उसके बाद प्लान करो। ड्रीम है जो मेरे को यहाँ मोड़ रखता है, नहीं तो फिर तो क्या था, समझ गए। ड्रीम देखो बस एक ही है, जाओ और अपने बड़े सपने देखो और काम करते रहो। ये ऐप भी आपका ड्रीम था सर, क्या चीज ये जो ऐप लॉन्च होने जा रहा है। मेरे दिन, मैंने एक बार ना ऐसा मेरे मूड में आया 1,000 सपने लिखने हैं, अब कहाँ लिखे, तो कट कॉपी पेस्ट में गया, बकेट लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड फलाना ढिमका, ये सब मेरे को गूगल करके मिल गया। और मैंने उनमें से अपने अपने लिए चुरा लिया, ऐसे 5-10 लोगों के लिए। मैंने वो सुशांत सिंह राजपूत के भी सारे ड्रीम पढ़े थे, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट किया और मैंने अपने हाथ से लिखे। और जो पहला मेरा टेबल था, आज भी है इनफेक्ट, वो उसमें कांच ऊपर से रखा जाता था, तो उनको मैंने पूरा ऐसे लगाया अपने ड्रीम को प्रिंट आउट लेके ऐसे बड़ा, और उसमें से मैं सारे ही टिक करते चला गया ऐसा था। तो उसमें एक ये भी था कि मैं ट्रेनर बनूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, कोच बनूंगा, एंड धीरे धीरे अपने आप जो डेस्टिनी है वो लेके आ रही है। अब मैं रियल एस्टेट में, मतलब वैसे तो 80% हूँ, 20% ये करता हूँ, बट धीरे धीरे 80% मैं यहाँ पर आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की जिंदगी जी ली है। लेकिन लाखों जिंदगी बदल सकती है अगर मैं खुद करूं डील कर करके, मेरे लिए तो पैसा बना सकता हूं, लेकिन जो ट्रेनिंग का ऐप आएगा, जो लोग ऐसे चेंज होंगे, बहुत सारे प्लवन विश्वास, मेघना और यू नो जो निवेश है ऐसे लोग, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव रहूंगा। कुछ तो भी हम दुनिया में अच्छा पॉजिटिव चेंज करके जाएंगे, जो दिल से मेरा पैशन आ रहा है तो उसको अभी हम करेंगे। और जैसे आप लोगों ने अभी तक प्यार दिया, जो भी किया उसमें साथ दिया, उसको भी आप लोग डेफिनेटली अप्रिशिएट करोगे। हो सकता है यूडीमी में भी कोर्सेस आए, खाली पैसा बनाना मकसद नहीं है, वो कोर्सेस तो इतने सस्ते हैं कि 200-500 कोई भी गरीब से गरीब आदमी एक बार खाने बैठे तब भी हो जाता है 200-500 का। तो उतने में आपको ऐसा ऐसा नॉलेज मिलेगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसको शिद्दत से करना, उसको यू नो अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। खाली जानकारी ले लिया मजा आया उससे नहीं, आज जो सुना है इसको जाके यूज करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किशोर नहीं, किसने निवेश, आपने सवाल पूछा था, आपको लगता है कि 1 महीने में कम से कम एक एक्स्ट्रा डील कर पाओगे, वो वैसे करोगे तो जो मैंने बताया? डेफिनेटली सर। सर आपने जो बुक बताई थी ना, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, उसमें भी ये चीज लिखी है कि कितने लोगों से आप मिलते हो, कितनी कॉल्स करते हो, उतना ज्यादा आपके चांसेस हो गए नंबर कन्वर्जन के, बढ़िया, क्योंकि आप ज्यादा हिट्स कर रहे हो। फ्रैंक बेडगर है यस ना सर। हाँ जी, राइटर, अच्छी बुक है सर। वो आपका सर जो एंथुसियाज्म बोले ना, आपने एक्साइटमेंट के साथ फोन पे बात करो, वो पहले चैप्टर ही है उसका, पहला डेल चैप्टर कार्नेजी ही ने भी है रिकमेंड किया है। डेल हाँ कार्नेगी। सर। डेल कार्नेगी ने उसको बोला कि तू ना ऐसे लिख, तो बोला मैं आता ही नहीं, तो हाँ बोला हाँ तू जो हाँ है हाँ ना वैसे एज ए स्टोरी बोलते जा, पर्सनल स्टोरी, टेल योर पर्सनल स्टोरी एंड दैट बिकम द बुक। और वो बड़ी ऐसी फेमस भी नहीं है, मैं जानता हूँ उस बुक के बारे में, क्योंकि मैंने उससे सीखा है सेलिंग। रियल एस्टेट में कोई जाके आप गूगल कर लो, कोई रिकमेंड नहीं करेगा वो बुक। ये मेरी फेवरेट थी, क्योंकि वो बंदा बेसबॉल प्लेयर था और वो हारता चला हाँ गया, उसको टीम से निकाल दिया, एंड देन निकालने के ये बाद बात उसको एक छोटी सी टीम में मौका मिला। और उसको जब निकाला था तो उसके कोच से पूछा कि मेरे को क्यों निकाल दिया, तो उसने बोला था तेरे अंदर कुछ एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म ही नहीं है। तो वो तो उसने एक ही कसम खा रखी थी कि अब मैं खाली पूरा फुल एकदम जैसे 10 बैटरी लगा दी गई है, और अब भागता था कैच इट ये हाँ वो, एंड उसने अपनी टीम, जहां बड़ी टीम से उसको निकाला था, ये छोटी टीम में खेल के उसको हराता है। तो उसका कोच आता है और उसको बोलता भाई तू वही है या क्या है, तो बताता है कि एक ही चीज है कि एक्साइटमेंट से सारा, जोश से सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा भी कैच करता है उसको। और उसने पहला लेसन यही दिया है कि मतलब मैं एक्साइटेड यू नो रहूंगा। तो मुझे आज तक याद है, मतलब मैंने 10 साल 15 साल पहले वो बुक पढ़ी होगी, तो मैं बताता हूँ लोगों को कि यार ये सारी चीजें मैंने की है तब बना है। लोगों को लगता है ये तो पैदाइशी है, तो लकी आदमी यार, इसकी किस्मत अच्छी थी, ये ऐसे पैदा हो गया, ऐसा बकवास है। जब कोई मुझे लकी बोलता है तो मेरे जो अच्छे काम को गाली देता है, वो नहीं देखता इसके पीछे इसने कितनी प्राइस पे की है। विराट कोहली को जो हम देखते हैं, जब वो 5 बजे उठ के नेट प्रैक्टिस करता है,
जो जिम में जाके वर्कआउट करता है वो कोई नहीं देखता उसको, सेंचुरी मारते देखते हैं, तो बोलते हैं किस्मत वाला है, टैलेंटेड है, कुछ नहीं है भाई, बहुत मेहनत करते हैं। तो वेरी गुड निवेश, बहुत अच्छी बात बोली। तो यस वेस, क्या कितने बज गए भाई, चलो बंद किया जाए, तो एक दो ट्रेनिंग जो भी बची है महीने की ले लेंगे, उसके बाद ऐप पे आ जाएंगे और वो बड़ा सिस्टमेटिक वे होगा लर्निंग करने के लिए। प्ले स्टोर में मिलेगा और वो ऐप? प्ले स्टोर, हाँ एंड्रॉयड पे भी रहेगा, वेब पे भी रहेगा, आईओएस पे रहेगा, और उसमें मेरा फोटो दिखेगा, बस अब इजी रहेगा, सनत नाम से ही रखा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं चीजों को मैंने, आप बस उसको आप डाउनलोड कर लेना, और जिस भी मतलब अलग अलग लेक्चर होंगे उस पर आप अटेंड कर सकते हो, उसमें मोटिवेशन होगा, टेक्निक होगी, पीपल स्किल होगा, कॉलिंग स्क्रिप्ट होगा, बहुत कुछ है, करते रहेंगे अभी देखेंगे उसको, ठीक है, YouTube के वीडियो ही डन वहां पे है। होंगे क्या सर? YouTube के ही नहीं, फिर वो तो ऑलरेडी है फ्री में, तो उसके अलावा होंगे ज्यादातर, पर कुछ स्पेशल है तो अभी मुझे पता नहीं, बट ये सब हटके ही होंगे ये, क्योंकि एकदम डिजाइन होंगे, जैसे मैंने बिगनर का बना दिया तो बिगनर का पहला दिन ही क्या करना है, देन क्या उसके सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, एकदम प्रॉपर सब कुछ ऐसा रहेगा, सिस्टमेटिक वे रहेगा। अभी ये बातें कैसे भी कर रहे हैं ना यहाँ पर वहां पे वो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, तो ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है, चलें देन। आपका सेशन अच्छा लगा हो तो आप कुछ लिख दो कमेंट में, पढ़ेंगे हम लोग और फिर हम थैंक आगे फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, खुशी हुई आप लोगों से यू बात सर, करके, ऑल द थैंक यू सर, बेस्ट, बाय। थैंक यू।